subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button. जिंदाबाद लाहौरियो, जिंदाबाद। पहले मैनू ये दसो आवाज आ रही है? आ रही है? ये जो खवातीन यहां पे खड़ी है, इनको भी मेरा सलाम पहुंचे। जो दूर तक लोग मुझे नजर नहीं आते, मेरा सब सलाम पहुंचे आपको। आपकी बेटी और बहन मरियम नवाज की तरफ से अस्सलाम अलैकुम। पीडीएम के प्रेसिडेंट जनाब मौलाना फजलुर रहमान साहब और पीडीएम की तमाम क्यादत, मोहतरम क्यादत जो इस वक्त स्टेज पे मौजूद है, और जिंदा दलाने, जिंदा दिलाने लाहौर। अल्लाह की कसम लाहौरियों, आज तुसी मैनू खुश कर देता है। ये कौन कहता था, कौन फिरौन के लहजे में कहता था कि मुस्लिम लीग नून को कहो जरा मीनारे पाकिस्तान को भर के दिखाए। तो आज आज मैं ये कहती हूं, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करके कहती हूं, लाहौरियों का शुक्र अदा करके कहती हूं कि जिसने देखने आके देखो, ना सिर्फ मीनारे पाकिस्तान भर गया है, बल्कि वो पुल और मीनारे पाकिस्तान की सही आसपास की तमाम सड़कें भर चुकी हैं। और हजारों लोग ऐसे हैं जो पिंडाल के अंदर इसलिए नहीं आ सके कि पिंडाल में कोई जगह बाकी नहीं है। मुझे ओहो भाई आराम से, मुझे जलसे के मुंतजमीन ने बताया था कि यहां पर हजारों कुर्सियां लगी हुई हैं। लाहौर वालों, मुझे यहां एक भी कुर्सी नजर नहीं आ रही, इसलिए इसलिए कि लोग इतने ज्यादा हैं कि मुझे समझ नहीं आ रही कि कुर्सियां कहां चली गई। प्लीज मेरे सर पे ड्रोन नहीं उड़ाएं, प्लीज और कौन कहता था कि कुर्सियां नहीं मिलेंगी, मैं कुर्सियों को वालों के खिलाफ मुकदमे करूंगा। कौन कहता था कि इजाजत नहीं दूंगा, ना तुम्हारी इजाजत की जरूरत है ना तुम्हारी कुर्सियों की जरूरत है, अपने पास ही रखो। और मैं आपको दिल की गहराइयों से सलाम पेश करती हूं कि इतनी सर्दी के अंदर लाहौरियों, मेरी ते कुल्फी जम गई सी उठे बैठ के। इतनी सर्दी के अंदर रात के इस वक्त में कुर्सियों के बगैर आप घंटों से खड़े हो, मैं आपकी अजमत को सलाम पेश करती हूं। लाहौर आज, लाहौर आज सगे भाई का मुजाहरा करते हुए, लाहौर आज सिंध को भी वेलकम करता है। लाहौरियों बताओ, सिंध को बिलावल भुट्टो जरदारी को वेलकम करते हो ना?
लाहौर आज खैबर पख्तूनख्वा को भी वेलकम करता है। बताओ अपने भाई खैबर पख्तूनख्वा को वेलकम करते हो ना? लाहौर आज बलोचिस्तान को भी वेलकम करता है। बताओ बलोचिस्तान को वेलकम करते हो ना? तो हम ये लाहौर की तरफ से ये मैसेज देना चाहते हैं, पीडीएम की जो ये क़यादत यहाँ पर तशरीफ रखती है, कि लाहौर एक सगे भाई की का किरदार अदा करेगा, बड़े भाई का नहीं, क्योंकि हम सब एक जैसे, कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, लेकिन लाहौर सगे भाई का किरदार अदा करते हुए इस्लामाबाद को और पूरे पाकिस्तान को, आपस में चारों सूबों को जोड़ेगा इंशाल्लाह। एक और बात मैंने करनी है और वो ये है कि जिस तरह लाहौरियों ने मेरी दो रैलीज के अंदर जगह जगह अपनी बहन और बेटी का इस्तकबाल किया, लाहौर में एक नहीं कई दर्जनों जलसे हो चुके हैं माशाल्लाह। जिस तरह आपने अपनी बेटी और बहन का इस्तकबाल किया, मैं इंशाल्लाह सारी जिंदगी भी अगर इसका जवाब दूं तो पूरी जिंदगी भी कम है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी आप सबकी। और एक और बात, यहां जितनी भी हमारी माएं बहनें बेटियां जलसे में शरीक हैं, मेरी अपने भाइयों से बुजुर्गों से बेटों से गुजारिश है को उनकी इज्जत का उनका एहतराम करें और उनकी हिफाजत करें। देखिए मुझे ये भी पता चल रहा है कि लाहौर के इस तारीखी जलसे को मीडिया को फोन आ रहे हैं कि आपने ये कहना है कि जलसा नाकाम हो गया है। मुझे पता है और लाहौरियों को भी पता है कि ये फोन कहां से आ रहे हैं, हम सब जानते हैं, लेकिन वो दुश्मन भी जानते हैं कि लाहौरियों ने आज मीनारे पाकिस्तान के साए में एक नई तारीख रकम की है। शाबाश लाहौर, शाबाश। और लाहौरियों ने ना सिर्फ आज मीनारे पाकिस्तान पे तारीखी जलसा किया है, बल्कि लाहौरियों ने अवाम दुश्मन हकूमत को मीनारे पाकिस्तान की बुलंदी से उठाकर नीचे फेंक दिया है। जिस जाली तब्दीली की शुरुआत 2011 में इस पाकिस्तान मीनारे पाकिस्तान के साए में हुई थी, आज लाहौरियों ने इसी मीनारे पाकिस्तान में उस जाली तब्दीली को हमेशा के लिए दफन कर दिया है। और लाहौरियों आपको पता है ना तीन साल कौन खुदा के लहजे में फिरौन की तरह कहता रहा, मैं नारों नहीं दूंगा,
मैं एनआरओ नहीं दूंगा, मैं एनआरओ नहीं दूंगा। तो आज पीडीएम की कामयाब तहरीक के बाद आज वही इंसान धूल चाट कर पीडीएम से और नवाज शरीफ से एनआरओ मांग रहा है। तो बताओ लाहौरियों, जरा बता दो इमरान खान को एनआरओ दोगे? याद रखो इमरान खान, याद रखो मिस्टर ताबेदार, बड़े खुश हो रहे हो ताबेदार का नाम सुन के? एक तो पहले ही इतनी ठंड है, ऊपर से मेरे सर के ऊपर ड्रोन चला रहे हैं। और चलो लगा दो, लगा दो। ऐसी बिजली चोरी हर तरफ लूट मारे, आटा पेट्रोल चीनी महंगी, गरम सब बाजार तो कुछ और लगी थी, लेकिन बंदा ताबेदार पे इतना चीखे हो आप लोग, इसका मतलब है आपको सब समझ आती है। जरा बताओ कि बंदा ताबेदार का नाम क्या है, और ये भी बता दो कि किसकी ताबेदारी करता है वो। अब ताबेदार खान एनआरओ मांग रहे तो याद रखो कि नवाज शरीफ आवाम की रोटी चोरी करने वाले ताबेदार को एनआरओ नहीं देगा। अब नवाज शरीफ आवाम के वोटों पे डाका डाल के जाली हुकूमत बनाने वाले ताबेदार को एनआरओ नहीं देगा। अब नवाज शरीफ पाकिस्तान की तरक्की छीनने वालों को एनआरओ नहीं देगा। एक और बात, जो कोरोना है ना कोरोना, मैंने आज आप लोगों से रिक्वेस्ट की थी, मैंने आप लोगों से आज रिक्वेस्ट की थी कि सब मास्क पहन के आए, तो मैं आपसे हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट करती हूं कि जरूर जलसों में आए लेकिन मास्क पहन के आए, क्योंकि मुझे आपकी जिंदगी और सेहत की परवाह है। लेकिन एक बात समझनी बहुत जरूरी है, ये जो कोविड-19 है ना, कोरोना कोविड-19, इससे ज्यादा खतरनाक और मोहलिक मर्ज जो है ना, उसका नाम है कोविड-18। ताबेदार खान इमरान खान।
नवाज शरीफ का मैसेज आए, मियां साहब ने कहा कि लाहौरी नहीं कहना, इज्जत से कहो जिंदा दिलाने लाहौर। वो कहते हैं कि मेरे लाहौर का नाम इज्जत से लो, लाहौरियों नहीं कहना, जिंदा दिलाने लाहौर कहना है। तो जब से कोविड-18 जिसका नाम ताबेदार खान है, जब से वो पाकिस्तान में जाली हुकूमत बना के आया है, पाकिस्तान की तरक्की क्वारंटीन हो गई है, पाकिस्तान में चीनी क्वारंटीन हो गई है, पाकिस्तान में गंदम क्वारंटीन हो गई है, पाकिस्तान में सस्ता आटा क्वारंटीन हो गया है, पाकिस्तान में सस्ती बिजली क्वारंटीन हो गई है, पाकिस्तान में गैस और सस्ती गैस क्वारंटीन हो गई है, पाकिस्तान में मीडिया की आजादी क्वारंटीन हो गई है, पाकिस्तान में आवाम का रोजगार क्वारंटीन हो गया है, पाकिस्तान में मरीज की दवाई क्वारंटीन हो गई है। बताओ कोविड-18 का खात्मा करने के लिए तैयार हो ना? तैयार हो ना? अच्छा तो लाहौर के बहादुर और गयूर लोगों, मुझे ये बताओ कि ताबेदार खान ने अभी क्या कहा? इस बार थोड़ा तकब्बर कम हो गया तो मुंह पे हाथ नहीं फेरा, लेकिन कहता है कि ये ऑपोजिशन मुझे जानती नहीं है। सुनो ताबेदार खान, ऑपोजिशन तुम्हें सिर्फ जानती नहीं है बल्कि ऑपोजिशन तुम्हें अच्छी तरह जानती है। ना सिर्फ ये कि तुम्हें ऑपोजिशन जानती है, तुम्हें अब पाकिस्तान का बच्चा बच्चा भी जान गया है। करप्शन गैस बिजली चोरी हर तरफ लूट मारे, आटा पेट्रोल चीनी महंगी गरम सब बाजार। अब तो तुम्हें वो भी जान गया है जो तुम्हें पहले नहीं जानता था, अब तो तुम्हें वो बच्चा बच्चा जान गया है जो दूध के लिए बिलख रहा है, अब तुम्हें वो बच्चा बच्चा और वो माँ वो बेटी वो बहन तुम्हें जान गई है जिनके चूल्हों की आग तुमने बुझा दी है, अब तो तुम्हें पाकिस्तान के हर घर में मौजूद बीमार भी जान गया है जिसकी दवाई तुमने उनकी पहुंच से दूर कर दी है, और अब तो तुम्हें वो नौजवान भी जान गया है जो तुम्हारी 1 करोड़ नौकरियों का सुहाना ख्वाब देखकर आया था, जो डिग्रियां हाथ में लेकर सड़कों पर धक्के खा रहा है, अब तुम्हें वो सरकारी मुलाजिम भी जान गए हैं जिनकी तनख्वाहों में पहली बार तुमने 1 पैसे का इजाफा नहीं किया, अब तुम्हें वो भी जान गए हैं जिनको बिजली और गैस के लंबे लंबे बिल तो आते हैं लेकिन ना बिजली आती है ना गैस आती है, और जिंदा दिलाने लाहौर और जो इमरान खान को ताबेदार खान को पूरी तरह नहीं जानते, आज जब मेरी तकरीर सुन लेंगे तो अच्छी तरह जान लेंगे। मैं आपको बताऊं कि 2011 में 2011 में जब यहां पर उसने, आपको पता है मीनारे पाकिस्तान में 2011 में उसने जलसा किया था, अवाम अच्छी तरह जानती है कि वो तुम्हारा जलसा किसने करवाया था, वो तुम्हारा जलसा क्या नाम है उनका?
आए तुम्हारे बुज में किरदार गिरे हकदार गिरे बड़े बड़े सरदार गिरे ऊंचे ऊंचे मीनार आम अच्छी तरह जानती है कि तुम्हारा वो जलसा तब के आईएसआई चीफ जनरल शुजा पाशा ने करवाया था आवाम अच्छी तरह जानती है और फिर जब और फिर जब 2013 के और फिर जब 2013 के इलेक्शंस में तुम्हें इबरतनाक शिकस्त हुई तो तुम्हें समझ आ गया कि आवाम के वोटों से तुम्हें वज़ीर-ए-आज़म बनने वाला नहीं, अब मुझे ताबेदारी करनी पड़ेगी तो मैं वज़ीर-ए-आज़म बनूंगा। और फिर तुम्हें किसी ने कहा कि धांधली धांधली का शोर मचाओ और नवाज शरीफ ने उन धरनों के बावजूद जो तुमने जनरल पाशा और जनरल ज़हीर उल इस्लाम की सपोर्ट के साथ किए थे, उन धरनों के बावजूद नवाज शरीफ आपकी खिदमत में जुटा रहा। नवाज शरीफ ने लोड शेडिंग के अंधेरे खत्म किए, नवाज शरीफ ने इस मुल्क से दहशतगर्दी के अंधेरे खत्म किए। बताओ नवाज शरीफ ने लोड शेडिंग खत्म की थी ना? नवाज शरीफ ने दहशतगर्दी अल्लाह ताला के फजलो करम से खत्म की थी ना? फिर तो मैं एक नई बात सूझी, तुमने करप्शन करप्शन का राग अलापना शुरू कर दिया और फिर तुमने जस्टिस खोसा ने तुमको कहा कि मेरे पास लाओ एप्लीकेशन, मैं तुम्हारी मदद करता हूं और फिक्स्ड मैच के जरिए तुमने नवाज शरीफ को इकामा पर बाहर निकलवाया। और ना सिर्फ ये, आप जानना चाहते हो पहली वाली वीडियो कौन सी है? मैं एक वीडियो दिखाने वाली हूं, ध्यान से देखना कि ये जब इसको ये नहीं पता था ना कि नवाज शरीफ इंशाअल्लाह ताला आपकी खिदमत करके अपने नाम दूसरा इलेक्शन भी करेगा, ये पहले नवाज शरीफ के बारे में क्या कहता था, जरा सुनना। लगाएं जी वीडियो नंबर 1, जरा देखना सुनना। अनहोनी हो गई, कप्तान ने नवाज शरीफ की तारीफ कर डाली, कहते हैं कराची ऑपरेशन की कामयाबी का क्रेडिट वजीर आजम को जाता है। तुमको मैं हमेशा मिसाल देता हूँ कि जब मैंने शुरू किया शौक सालम कैंसर हॉस्पिटल, नवाज शरीफ चीफ मिनिस्टर थे पंजाब के, उन्होंने 50 करोड़ भी दिया, 1989 की बात है, 50 करोड़ बहुत अच्छा जी। गवर्नमेंट पंजाब से ही मियां नवाज शरीफ ने जमीन दिलवाई थी। मोहम्मद नवाज शरीफ को मुबारक देता हूँ कि उन्होंने जो एबीसी में कामयाबी हासिल की, वो कामयाबी ये थी कि इन्होंने पाकिस्तान में हकीकी जमहूरियत के लिए जो जद्दोजहद करने के लिए जमातें थी उन सबको इकट्ठा कर दिया। जमीन मुशर्रफ एक सिडेंटस था कि नवाज शरीफ किसी तरह डिस्क्वालीफाई हो, क्योंकि वो उन्होंने पावर लेनी थी, तो उन्होंने तो नवाज शरीफ को तो ये चीज होगी कि उसको यहां इस मुल्क के अंदर ना इंसाफ मिल सकता है और वो जेल में
ظاہر ہے کیا سرکمسٹانسز ہوں گے ہم نہیں جانتے. ساری جو بجلی کی انکریز ہوئی ہے وہ نواز شریف اور بینظیر کے زمانے میں آئی ہے. ہر پاور پلانٹ نواز کے شروع ہوا اور جو سڑکیں کمپلیٹ ہو رہی ہیں وہ ساری نواز شریف اور بینظیر کے زمانے کی پروجیکٹ. چلو بند کر دو, ہمیں پتا چل گیا بندہ بہت جھوٹا ہے. اور اس نے فکس میچ کے ذریعے 2018 کے الیکشن سے پہلے نواز شریف اور آپ کی بیٹی مریم نواز کو دھاندلی سے الیکشن سے باہر کرایا. اس کو پتا تھا کہ نواز شریف اگر میدان میں رہا تو میرا مستقبل ہمیشہ کے لیے تاریک ہے. اس کو دھاندلی اور فکس میچ کے ذریعے حکومت تو مل گئی, لیکن یقین جانے اس کے سلیکٹرز بھی یہ نہیں جانتے تھے کہ یہ اتنا نالائق اور اتنا نااہل نکلے گا. یقین جانے یہ خود بھی نہیں جانتا تھا کہ یہ اتنا نالائق اور اتنا نااہل نکلے گا. اور آج اس کی نالائکی اور اس کی نااہلی کا جواب اس کے سلیکٹرز کو دینا پڑ رہا ہے. لوگ کہہ رہے ہیں یہ سوغات ڈھونڈ کے آخر کہاں سے لے کر آئے ہو. تو آپ جاننا چاہتے ہو کہ مینار پاکستان کے سائے میں کھڑے ہو کر اس نے آپ سے کون سے وعدے کیے تھے؟ جاننا چاہتے ہو؟ ویڈیو نمبر 2 لگائیں ذرا. ہم یہ بجلی اور گیس اور ڈیزل ذرا دیکھو دھیان سے. جب آپ چیزیں مہنگے کرتے ہیں غربت بڑھ جاتی ہے. 1 کروڑ نوکریاں پاکستان میں پیدا کرنی, نئی کمپنیز آئیں گی کنسٹرکشن, 50 لاکھ گھر. ساری چوری اور کرپشن کا بوجھ آپ پہ مہنگی بجلی کے ذریعے ڈال دیتے ہیں. آپ کی کرپشن کی قیمت میں مہنگی بجلی سے کیوں دوں؟ اس لیے میں اپنا بل جلانے لگا. یہ یاد رکھیں, جب حکمران کرپشن کرتا ہے وہ آپ کے اوپر ٹیکس لگاتا ہے, اس کی چوری کی قیمت آپ مہنگائی کے ذریعے ادا کرتے. کہتا ہے کہ جب حکمران چوری کرتا ہے تو اس کی کرپشن کی قیمت عوام مہنگائی سے ادا کرتے ہیں. تو بتاؤ کہ آج چور کون ہوا؟ پھر کون ہے چور؟ اور آگے لگائیں ذرا. 90 دن دور کی بات ہے, کرپشن 9 دن میں ختم ہو جائے گی. آج 2 سال گزرنے کے بعد جب کرپشن ڈبل ہو گئی, جب مہنگائی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ چکی ہے, بے روزگاری حد پار کر چکی, گورننس کی صورتحال مزید خراب ہو چکی ہے, اور آٹا چینی دالیں سبزیاں اور دیگر ضروریات کی اشیاء کی قیمتوں نے کوہرام مچا رکھا ہے, غریب کی کمر ٹوٹ چکی ہے, 2 سال بعد اب خطرے کی گھنٹی بج چکی ہے. نیا پاکستان ایک سوئچ نہیں ہے, گورنمنٹ آئی سوئچ ہوا تو نیا پاکستان بن گیا. اگر اتنی سی پبلک دیکھو یہ بجلی کے بلوں کو آگ لگا رہے ہیں, دیکھو اگر وہ کہہ دیتی گو عمران گو, تمہارے کہنے سے پہلے میں چھوڑ کے چلا جاتا. لاہور والوں اسی جگہ کھڑے ہو کر یہ 2011 میں جھوٹوں کا پلندہ لے کر آیا تھا آپ کے پاس. اب میں آپ کو ایک ایک کر کے بتاتی ہوں کہ اس کے جھوٹوں کی اس کے وعدوں کی حقیقت کیا نکلی. میں ایک ایک کر کے بتاتی ہوں. کہتا تھا سڑکیں بنانے سے قوم نہیں بنتی, قوموں کو تعلیم دینی چاہیے. اور آج نوجوانوں سے طالب علموں سے اس نے ان کے سالے اسکالرشپس واپس لے لیے ہیں. مجھے ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کہ کیا ایک بھی نیا کالج یا ایک بھی نئی یونیورسٹی بنی؟
तालिबे इल्म आज भी सरापा एहतजाज हैं। कहता था कि जो प्राइम मिनिस्टर हाउस है और लाहौर का गवर्नर हाउस है, इसको यूनिवर्सिटी बनाऊंगा, बनी। फिर कहता था कि मैं इंसानों पे खर्च करूंगा, इंसानों पे खर्च करूंगा, तो उसकी हकीकत भी सुन लो। यंग डॉक्टर्स सड़क पर, आज असातजा सड़क पर, लेडी हेल्थ वर्कर्स सड़क पर, सरकारी मुलाजमीन सड़क पर। पहली बार तनख्वाहें नहीं बढ़ी, पेंशनर्स सड़क पर, अवाम सड़क पर। ये है इसकी हकीकत के मैं अवाम के ऊपर खर्च करूंगा। और सेहत का वादा भी करके गया था, कह रहा था कि सेहत पर, अस्पतालों पर खर्च करूंगा। तो हाथ उठाकर बताओ, क्या एक भी नया अस्पताल बना? आपने देखा होगा और सुना भी होगा, दिल दहल जाता है। खैबर टीचिंग हॉस्पिटल खैबर पख्तूनख्वा में 7 कोरोना के मरीज जान से हाथ धो बैठे, क्योंकि वक्त पर उनको ऑक्सीजन के सिलेंडर्स नहीं पहुंचे हॉस्पिटल में। और आज अस्पतालों के बाहर लिख के लगा दिया है कि स्ट्रेचर के और व्हीलचेयर के 20 रुपए अलग से देने पड़ेंगे। और दवाइयों की कीमतों में 600% इजाफा हो गया है। अब लाहौर के मेरे बहन भाइयों, बीमार होना भी आसान काम नहीं है। और कहता था कि भीख नहीं मांगूंगा, कर्जे नहीं लूंगा। और फिर पूरी दुनिया ने देखा कि कर्जों के नए रिकॉर्ड बना दिए इस ताबेदार खान ने। और पूरी दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान को, हमारे मुल्क को, इसने IMF के पास गिरवी रख दिया। और फिर करप्शन 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 के रोने रोता था, कान पक गए करप्शन करप्शन का रोना रोते हुए। कहता था मैं ऐसा निजाम लेकर आऊंगा कि जो बड़े लोग हैं उनको कानून के नीचे लेके आऊंगा। तो बट कड़ाही वालों को तो तुम कानून के नीचे ले आए, लेकिन पापा जॉन्स पिज़्ज़े का नाम सुना है ना? क्या तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है कि जनरल आसिम सलीम बाजवा के ऊपर तुम करप्शन का मुकदमा बनाओ? जानते हो ना पापा जॉन्स पिज़्ज़ा किसका है? जरा बताओ, पापा जॉन्स पिज़्ज़ा किसका है? हाँ। और करप्शन की दास्तानें दुनिया सुन रही है। मालम जब्बा स्कैंडल, रैपिड बस जो पेशावर की बनी थी, मेट्रो बस जो चलती कम है और जलती ज्यादा है, आवाम उसको धक्के लगा भी रही है और धक्के खा भी रही है। और फिर बिलियन ट्री सुनामी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो बिलियन ट्रीज कहां लगाए हमें तो नजर नहीं आ रहे। क्या वो सारे ट्रीज जो है, वो सारे दरख्त क्या बनी गाला में लगा दिए जाकर? और फिर आटा स्कैंडल, चीनी स्कैंडल, LNG स्कैंडल, महंगी बिजली स्कैंडल,
महंगी गैस स्कैंडल, इस गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस तो कुछ नहीं है, स्कैंडल्स के ढेर लग गए हैं। और इंशाल्लाह इंशाल्लाह एक दिन आएगा जब अवाम तुमसे एक एक पाई का हिसाब लेगी इंशाल्लाह ताला। पुलिस को ऐसा गैर सियासी किया कि अपने बहनोई के प्लॉट की खातिर कितने आईजी बदल दिए, कितने पुलिस वाले बदल दिए, कितनी एडमिनिस्ट्रेशन बदल दी। सड़का बाजार बछाया मिया सब नजर बनाया पार्लियामेंट में बैठ के मैं पीडीएम के साथ डायलॉग करूंगा। मैं आवाम से पूछना चाहती हूं कौन सी पार्लियामेंट, वो वाली पार्लियामेंट जिसको आईएसआई का एक रिटायर्ड कर्नल चला रहा है, वो वाली पार्लियामेंट, वो वाली सेनेट जिसको एक रिटायर्ड कर्नल चला रहा है, उस वाली सेनेट में बैठ के बातचीत होगी। पूरा इस्लामाबाद जानता है कि उस रिटायर्ड कर्नल का जो आज आपके मुंतखब नुमाइंदों की पार्लियामेंट चला रहे हैं, सेनेट चला रहा है, उसका नाम क्या है, पूरा इस्लामाबाद जानता है। करप्शन गैस बिजली चोरी हर तरफ तुम्हारे। और फिर कहता है, और जब इसके पास नवाज शरीफ की बातों का जवाब नहीं होता तो कहता है नवाज शरीफ गद्दार है, नवाज शरीफ इंडिया का दोस्त है, नवाज शरीफ मोदी का यार है। तो मैं लाहौर के आवाम से पूछना चाहती हूं, क्या मुझे गवाही दोगे हाथ उठाकर कि क्या नवाज शरीफ का एक भी मुतालिबा, क्या नवाज शरीफ का एक भी मुतालिबा, मुझे कौम बताए कि क्या नवाज शरीफ का एक भी मुतालिबा आईन से मुतसादिम है। क्या इदारों को सियासत से दूर रहने का मशवरा देकर नवाज शरीफ गद्दारी कर रहा है? क्या आजाद अदलिया, अरशद मलिक वाली अदलिया नहीं, अल्लाह ताला उसको जन्नत नसीब करे, फौत हो गया है, अरशद मलिक वाली अदलिया नहीं, वो वाले लोग नहीं जो अच्छे जजेस के ऊपर मुकदमा बनाए, क्या आजाद अदलिया और आजाद मीडिया का मुतालबा गैर आईनी है? बताओ लाहौर वालों, क्या आजाद अदलिया और आजाद मीडिया का मुतालबा गैर आईनी है? क्या मुशर्रफ के खिलाफ आर्टिकल 6 का, आईन तोड़ने वाले के खिलाफ आर्टिकल 6 का मुकदमा बनाना, उसकी मुतालबा करना गैर आईनी है? क्या आवाम का मैंडेट चुराने वालों को चोर कहना गैर आईनी है? क्या आरटीएस इलेक्शन वाले दिन आरटीएस को बिठा देना, ये नवाज शरीफ ने बिठाया था? क्या बैरूनी फंडिंग नवाज शरीफ को हुई थी? क्या कश्मीर को मोदी के हवाले नवाज शरीफ ने किया था? क्या जस्टिस शौकत अजीज से अपनी मर्जी का फैसला लेने के लिए दबाव नवाज शरीफ ने डाला था? क्या जस्टिस काजी फाइज ईसा के ऊपर झूठा रेफरेंस
नवाज शरीफ ने बनाया था क्या? आटा नवाज शरीफ ने चोरी किया है क्या? महंगाई को रिकॉर्ड सतह पर नवाज शरीफ लेकर गया है और फिर कहता है कि ऑपोजिशन पर अल्लाह का अजाब है। हम तुम्हारे जुल्म तो सह रहे हैं, मजलूम पर अल्लाह ताला का अजाब नहीं आता, अल्लाह ताला का अजाब जालिम पर आता है। और तुम जालिम हो, इंशाल्लाह इस आवाम की बददुआएं और तुम्हारा जुल्म तुम्हें लेके बैठेगा इंशाल्लाह। यहूद के पैरोकारों से, इस मिट्टी के गद्दारों से, और अब लाहौर ने भी ये फैसला दे दिया है कि ताबेदार खान तुमको जाना होगा, तुमको जाना होगा, क्योंकि तुमने इस मासूम कौम को धोखा दिया है। तुमको जाना होगा क्योंकि तुमने हर रोज पाकिस्तान के अवाम से झूठ बोला है। तुमको जाना होगा क्योंकि तुमने हंसते बसते तरक्की करते हुए मुल्क को तमाशा बना के रख दिया है। तुमको जाना होगा क्योंकि तुमने करोड़ों लोगों से उनकी नौकरियां छीन ली हैं। कौन कहता था कि पाकिस्तान में करोड़ों नौकरियां लाऊंगा? किसी एक को नौकरी मिली? किसी एक को 50 लाख घरों में से घर मिला? तो तुम 50 लाख घरों में से घर मिला तो तुमको जाना होगा क्योंकि लाखों नौजवानों की नौकरियां और रोजगार तुम्हारे झूठे और तबाहकुन सुनामी की नजर हो गए। तुमको जाना होगा क्योंकि तुमने सनत को तबाह कर दिया, तुमने कारोबार को तबाह कर दिया, तुमने ताजिर को तबाह कर दिया, तुमने हर तबके को महंगाई की चक्की में पीस कर रख दिया। तुम्हें जाना होगा क्योंकि तुमने मुल्क की मईशत को तबाह कर दिया। तुमको जाना होगा कि तुमने 3 सालों में एक ईंट तक नहीं लगाई। और लाहौर के मेरे बहनों भाइयों बुजुर्गों, गवाही देते हो ना कि शहबाज शरीफ ने तुम्हारी दिन रात खिदमत की? गवाही देते हो ना कि शहबाज शरीफ ने न सिर्फ लाहौर को सवारा बल्कि पूरे पंजाब को सवारा और सजाया? याद है ना वो दिन जब किसी के साथ इतनी सी भी ज्यादती होती थी तो शहबाज शरीफ भागा भागा पहुंचता था आपके पास। और यहां पर आज कोरोना है, कोई वजीर आजम, कोई वजीर आला आपको अस्पतालों के चक्कर लगाता नजर नहीं आता। याद है ना जब आपके पास ये डेंगू की वबा आई थी, याद है शहबाज शरीफ ने किस तरह आपकी खिदमत की थी? आज वही शहबाज शरीफ कोटलखपत जेल के जिंदानों में बंद है। बोलो शेम। और वो हमजा शहबाज शरीफ, मेरा भाई हमजा शहबाज शरीफ, जिसने आपकी खिदमत में दिन रात एक किए, आज वो भी कोटलखपत के सलाखों के पीछे बंद है। तो आखिर में मेरे लाहौर के भाइयों और बहनों, मैं चाहती हूं कि आप लोग ये बात समझें कि आपके वोट की इज्जत होगी, आपके वोट से अगर हुकूमतें आएंगी, वज़ीर-ए-आज़म आएंगे, तो वो आपके वोट
कुवत से अगर आएंगे तो उनको आपका ख्याल होगा। अगर जाली और वोट चोर हुकूमत आएगी उसको सिर्फ अपनी नौकरी की फिक्र होगी, उसको आपकी फिक्र नहीं होगी। इमरान खान को सिर्फ ये फिक्र है कि किसी ना किसी तरह मेरी नौकरी बच जाए। तो क्या जाली हुकूमत की गिरती हुई दीवार को आखिरी धक्का देने के लिए तैयार हो? और लाहौर के बासियों, लाहौर के मुहिब्बे वतन शहरियों, अपनी बहन के साथ जरा वादा करो कि अगर इस्लामाबाद की तरफ आपको लॉन्ग मार्च करना पड़े तो निकलोगे घरों से? निकलोगे? और जितने दिन रुकना पड़ेगा अपनी बहन और बेटी के साथ रुकोगे? वादा, हाथ उठा के वादा। चलो आखिर में मेरे साथ लाहौर जिंदाबाद का नारा लगा दो। लाहौर, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, लाहौर के शेर जिंदाबाद, पीडीएम जिंदाबाद। और हाँ, एक और बात, मेरे बाद बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बात करेंगे, मौलाना फजलुर्रहमान साहब बात करेंगे, और आखिर में आपके और मेरे महबूब कायद मोहम्मद नवाज शरीफ आपसे खिताब करेंगे इंशाल्लाह। तो उनका खिताब सुने बगैर जाना नहीं, मैं भी यहीं बैठूंगी, आप भी यहीं बैठो। तो आखिर में अपने प्यारे मुल्क पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा दो। पाकिस्तान, पाकिस्तान। बहुत बहुत शुक्रिया लाहौर वालों, हंसते रहो,